एक सेना तभी तक लड़ सकती है जब तक उसके पास खाने का पूरा सामान हो, लेकिन उसे विशेष कपड़ों, रहने के लिए बनाई गई जगह, तंबू, ईंधन और उन सारे उपकरणों की भी जरूरत होती है जिससे वो पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचे इलाके में ठंड झेल सके। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय सेना ने ये लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है ताकि वो अपने सैनिकों को पर्याप्त विशेष राशन और दूसरे सामान पहुंचा सके। ये सब ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब चीनी सैनिक अब तक पेंगोंग सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग से पूरी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। बता दें कि लद्दाख में आमतौर पर हर साल 30,000 मीट्रिक टन राशन की जरूरत पड़ती है, वहीं इस साल यहाँ करीब दोगुना राशन की जरूरत होगी क्योंकि वहाँ अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि चीन और पाकिस्तान के फ्रंट पर किसी भी संभावना से तुरंत निपटने के लिए भारतीय सेना को तैयार रहना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सेना को उस तरह की तैयारी रखनी चाहिए जैसे वायुसेना ने बालाकोट स्ट्राइक किया था, और वैसे ही वो लद्दाख में तुरंत तैयार हो गई। वहीं रक्षा मंत्री के इस बयान को कड़े संदेश की तरह देखा जा रहा है।